दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है और मैं भारतीय रेलवे मालगोदाम सब वीडियो बना रहा हूँ। कितने दिन काफ़ी समय हो गया था तो मैंने सोचा कि वीडियो बना दूँ। टीवी कितने फ़ोन आ रहे थे तो कृपया आप लोग हमारे चैनल में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही आपको कॉन्टेक्ट में देता रहूँगा। और आगे चलते हैं, देखिए तकरीबन ये 7 साल से ऊपर हो चुका है मगर किसी का ज्वाइनिंग अभी तक मैंने ये ना सुना है कि किसी का हो गया। बस ये कह रहे हैं कि सर OTP नहीं आया है, QR कार्ड नहीं आया है। तो ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए इसमें काम बहुत लेट हो रहा है और बहुत काफ़ी समय लग रहा है। तो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए इसमें अपना समय ज्ञान करने से बढ़िया है कि अपना अभी तो कोई सीनियर जब भी जल्दी जवाब नहीं देता है कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप लोग समझ जाइए, जितने भी मेरे सार्मी भाई हैं हर सीनियर से जवाब मांगे कि फैसला ज्वाइनिंग कब होगा। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तो काम आगे बढ़ेगा नहीं। और मेरी यही सलाह है कि इन चक्रों में ना पड़ें, अपना काम स्वयं करें। और काफ़ी देखिए समय हो जाने से बहुत मनोबलता गिर चुकी है भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ पर और इसमें कार्य दिख नहीं रहा है। बस खड़ी मतलब कि ये प्रोसेस वो प्रोसेस, ये मीटिंग वो मीटिंग, खाली यही सब देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और कोई मिल रहा है तो ज़रूर बताएं। और मेरा कितना लोग फ़ोन नंबर जानते हैं, ईमेल आईडी जानते हैं तो कृपया आप लोग बताइएगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए भारतीय रेलवे मालगोदाम एक है वो संस्था है और वो अपना काम कर रही है कि मजदूर को हक दिलाने के लिए, मगर कोशिश इतना हो रहा है कि अभी तक काम नहीं हुआ और काफ़ी लंबा समय लग ही रहा है। और मैंने जैसे बताया था कि मैं मार्च से देखूँगा, उसके बाद ये ज्वाइनिंग के चक्कर में ना पड़ूँगा रेलवे में। तो अपना समय ना गंवाते हुए इसलिए इसे दिमाग से हटा दिया इस बात को कि हमको ज्वाइनिंग लेना है, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लग रहा है। मान लीजिए देखिए परिवार में आदमी दो वक्त का रोटी जुगाड़ने में लगा है और इसी के सहारे लोग बैठे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको बैठने से कोई फ़ायदा है नहीं, आप लोग बैठेंगे तो आप ही का नुकसान होगा और इसमें कुछ मिलेगा नहीं। कितने लोग देखते हैं कि बस डालते नहीं क्रिएटर वीडियो, पब्लिश तुरंत 7,000-8,000-10,000 व्यूज देख लेते हैं। क्या होता है उन लोगों का, क्रिएटर क्या है, वो पब्लिसिटी पकड़ते हैं, उनको तो यूट्यूब से पैसा कमाना है। और मेरे को क्या है, मेरे को नौकरी चाहिए, क्योंकि मुझे नौकरी ही चाहिए। तो कृपया आप लोग का और वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आपको काम अगर दिख रहा होगा कि हाँ मेरे को ज्वाइनिंग चाहिए तो आप लोग सीनियर को पकड़िए, उन्हीं से सब मांग कीजिए। नहीं मांग कर रहे होंगे घर पर जाइए बात कीजिए और उनसे बढ़िया से बात कीजिए कि सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जैसे मैंने बताया कि मेरा भी सीनियर है, मैं भी अपना बात करूंगा और देखिए क्या होता है। क्योंकि देखिए जून महीना आ चुका है तो कृपया आप लोग का प्यार रहेगा, आप लोग ये वीडियो वायरल जरूर कराइएगा। और मैं यही कहता हूँ, धन्यवाद।